क्या लगता है कि यहाँ पर मऊ में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं कमजोर दिखे, भाजपा कमजोर दिखी, क्या वजह समझ में आया? भाजपा कमजोर नहीं थी, जिले की टीम थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। सारी जिम्मेदारी मोदी जी पे ही सब डाल दिए थे लोग, तो मोदी जी कितना करेंगे। कुछ जिम्मेदारी हमारे जिले की टीम को भी बनती है, वो उस पर खड़े नहीं उतरे। देखिए, हमारी जिले की टीम जो है, मेन मालिक जिलाध्यक्ष होता है, लेकिन हमारी जो जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल है वो कमीशन में बिजी थी, सारा फोकस उनका कमीशन में था और जिले की टीम पे वो ध्यान नहीं दी, तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोर कड़ी साबित हुई है हमारे ज़िले के लिए। क्या वजह है, क्या कमी है? कमी यही है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त थी और पार्टी पे ध्यान नहीं दी। पार्टी बहुत बड़ी थी, इलेक्शन बहुत बड़ा था और आपको उसको हल्के में ले ली। आप अपने आप को मजबूत ना कीजिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। आप कमीशन खाने में इतना बिजी हो गई थी कि पार्टी पे ध्यान नहीं दी, अपना बूथ भी हारी। बहुत शर्मनाक है ये, उनके लिए शर्मनाक है। हमारी जिला अध्यक्ष जो नूपुर अग्रवाल है, जो अपने आप को बताती थी कि मैं बहुत कर्मठ हूँ, कहाँ गई इनकी कर्मठता। जो अपने बूथ को नहीं बचा सकता वो जिले को क्या बचाएगा। कुल पति पत्नी मिल के कमीशन में लगे लिप्त थे, तो क्या हम लोग यही समझें कि आप इतने बड़े पद पे आके और यही सारी छोटी छोटी हरकतें करेंगी तो हमारी जिले की टीम तो हारेगी ही हारेगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष नूपुर अग्रवाल पे जाता है। हाँ, शिकायत तो ऊपर तक गई है, कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं नीलम सराफ, पूर्व जिला मंत्री। मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शीर्ष नेतृत्व में बैठने का मौका दिया है, उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मोदी जी की मैं भक्त हूँ, वाकई मैं अंधभक्त हूँ उनके लिए, मोदी जी और योगी जी के लिए। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी का साथ दीजिए और अपने देश को मजबूत बनाइए।